इस वीडियो का असली मजा लेने के लिए इसको अंतिम तक देखें। आवाज का इनपुट एडिटिंग के दौरान दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग। यूंग टैंग ट्राइपॉड है और ये इसका बिल है जो कि पैकेट में आया था। आप देखेंगे पैकेट में कहीं भी अमेज़ॉन नहीं लिखा हुआ है, मोबाइल गियर से इन्होंने भेजा है। मैंने अमेज़ॉन से बुक किया था इसको, पर mobilegear.com से मुझे ये मिला है। इसको काट कट करते हैं प्लास्टिक को, फिर देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है हमें। ये पैकेट एक काफ़ी हल्का, लगभग 250 ग्राम या 300 ग्राम का पैकेट है। इसको खोलते हैं। बॉक्स पहले ही इतनी बुरी कंडीशन में खुला पड़ा है, मुझे लगता है कोई चीप प्रोडक्ट है। लास्ट से उठा के दिया। ह्यून टैंग वैसे तो काफ़ी ब्रांडेड मानी जाती है, 0.5 kg का है। ट्राइपॉड के मामले में थोड़ी ब्रांडेड मानी जाती है ह्यून टैंग। अब इसको ओपन करते हैं क्या मिलता है इसमें। देखें सबसे पहले आई थिंक ये मोबाइल का होल्डर है जो कि ट्राइपॉड के ऊपर लगेगा। काफ़ी छोटा, मैंने तो इसको काफ़ी बड़ा एक्सपेक्ट किया था। स्प्रिंग सिस्टम से ये होल्ड करता है मोबाइल को। अब निकालते हैं, अब आई थिंक ट्राइपॉड ही है। काफ़ी छोटा ट्राइपॉड है और इसकी लंबाई केवल 18 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर मैक्सिमम है और मिनिमम 18 सेंटीमीटर होगी। अब ये इसका जहाँ पे आपको कैमरा, डिजिटल कैमरा अगर फंसाना हो तो उसके लिए स्क्रू दिया रहता है। और ये इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्लास्टिक की है बॉडी और हल्की है। मुझे थोड़ा डाउट, और ये इसमें नीचे रबर लगा हुआ है ताकि आप अगर रखें तो फिसलन ना हो उसमें। ये इसका लॉक है, लॉक जो उसकी हेड होगी उसको, लॉक को थोड़ा घुमाने पे हेड इसकी मूव करेगी 360 डिग्री पे, पूरी मूव कर सकती है ये। इसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अपने मूव कर रही है पूरी। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। एक थोड़ी प्रॉब्लम मैं जो इसमें देख रहा हूँ, इसका जो सिर है वो हमेशा टेढ़ा ही रह रहा है। थोड़ी बिल्ड क्वालिटी ऐसी है कि इसका सिर टेढ़ा ही रह रहा है। आप भी देख रहे होंगे कैमरे की स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा। इसको सीधा करने की कोशिश करते हैं। मोबाइल होल्डर लगाते हैं इसमें, फिर मोबाइल होल्ड करके देखेंगे। पहले फिजिकल ओवरव्यू ले लेंगे साइड से और फिर उस पर मोबाइल लगा कर देखेंगे। इस तरह स्टैंड करेगा और स्प्रिंग ठीक है, थोड़ा टाइट है शुरुआत में। ये इसका आप एक साइड व्यू ले सकते हैं ह्यून टैंग की, इसमें वो है ब्रांडिंग की हुई है। और इस तरह से आपको दिखता है, काफ़ी बड़ा नहीं है बट आपको अगर टेबल पे रख के कोई अपने सामने कोई रिकॉर्डिंग करनी है, फ़ोटो लेनी है, सेल्फी लेनी है, उसके लिए बस किया जा सकता है। कोई बड़ा ट्राइपॉड नहीं है ये। यहाँ पर इसका कुशन है जहाँ पर मोबाइल होल्ड होता है, काफ़ी ठीक कुशन दिया है, मोबाइल को नुकसान कम होगा। अब इसको देख लेते हैं। इसमें मोबाइल मैंने फंसा लिया है पहले से, माइक्रोमैक्स 5.5 इंच स्क्रीन का। और इसको मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आजकल मैक्सिमम फ़ोन इतने के ही लोग पसंद करते हैं ताकि। और ये नीचे इसमें एक चीज़ आप देखेंगे, अगर आपको बिल्कुल ऊपर की रिकॉर्डिंग करनी है तो ये बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकता। इसका वज़न ही इतना कम है कि वो फ़ोन को होल्ड नहीं कर पा रहा। अब मैं आपको होल्ड करते हुए दिखाता हूँ कि थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही थी होल्ड करने में, वही परेशानी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यह कैसे मैं करता। स्प्रिंग इसका 2-3 बार में थोड़ा ढीला हो गया है और अब मैं थोड़ा ले हो। ये तो टूट गया भाई, ये चाइनीज़ प्रोडक्ट टूट गया, ये तो फेक, क्या प्रोडक्ट है यार ये, शिट।
इसके विचार आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और मेरा सजेशन है, बिल्कुल मत खरीदिए ये ट्राईपॉड, बिल्कुल मत खरीदिए। यूंगटैंग बेकार कंपनी, मेड इन चाइना बेकार। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। चूना लग गया मुझे, मैंने तो सोचा था स्टील की बॉडी है तो प्लास्टिक की बॉडी निकली। कम से कम इतना तो स्टील दे देना चाहिए था इनको, चाइना हमेशा चाइना ही रह जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्कार।